हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 2, आवर फेस्टिवल्स। आवर फेस्टिवल्स का अर्थ है हमारे त्योहार। तो आइए इसका प्री रीडिंग सेक्शन देखें। प्री रीडिंग सेक्शन में हमारे पास यहाँ एक पिक्चर दी गई है और आप भली भांति जानते होंगे कि ये पिक्चर किस त्योहार को शो कर रही है। ये त्योहार है दिवाली का। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ें। नेम द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर। तो बच्चों, आपको यहाँ चीजें बतानी है जो इस पिक्चर में हैं। तो बच्चों, यहाँ इस पिक्चर में वन मैन इज देयर, वन वुमेन एंड देयर चाइल्ड। एक आदमी, औरत और उनका बच्चा। दिए हैं यहाँ, आप दिए देख सकते हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं रंगोली बनाई गई है और कुछ पटाखे जो ये जला रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल इज शोन इन द पिक्चर। तो पिक्चर में कौन सा फेस्टिवल शो किया गया है? यह है दिवाली। डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल? हाउ डू यू सेलिब्रेट इट? क्या आप सभी यह फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, यह त्योहार मनाते हैं? अगर हाँ तो कैसे? तो बच्चों, आप अगर त्योहार मनाते हैं दिवाली का, तो हमें बताएं किस प्रकार से यह त्योहार मनाते हैं। नेक्स्ट, नेम सम अदर फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट। कुछ और अन्य त्योहार बताएं जो आप सेलिब्रेट करते हैं, जो मनाते हैं। तो अन्य त्योहार हो सकते हैं होली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद आदि। आइए आगे चलें। आगे है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में बच्चों, यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो अलग अलग त्योहारों को दर्शाती हैं। पहली पिक्चर में आप देखें, यह है क्रिसमस। नेक्स्ट ईद, अगला है होली और फिर है रक्षाबंधन। तो यहाँ चार त्योहार दर्शाए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में है फर्स्ट एक्टिविटी, टिक द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल शोन इन द पिक्चर्स। तो यहाँ पिक्चर में हमें जो चार त्योहार दिए गए हैं, उनके सामने हमें टिक करना है। तो फर्स्ट है यहाँ जन्माष्टमी। तो बच्चों, इन चारों में जन्माष्टमी नहीं दी गई है, तो हम यहाँ टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है होली। होली दी गई है, इसे टिक करें। नेक्स्ट क्रिसमस। क्रिसमस भी दिया गया है। नेक्स्ट दिवाली। दिवाली नहीं है। नेक्स्ट रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भी दिया गया है। नेक्स्ट दुर्गा पूजा, नहीं है। अगला है तीज। तीज भी नहीं है। और लास्ट है ईद। तो ईद को भी हम टिक करेंगे। तो उस पिक्चर में हमें ये चार त्योहार दर्शाए गए थे, होली, क्रिसमस, रक्षाबंधन और ईद। आइए आगे चलें। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ हमें चार फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ऊपर हमें दिए गए हैं चार वर्ड्स जो हमें इन फिलअप्स में फिल करने हैं। तो फर्स्ट इज होली इज द फेस्टिवल ऑफ। होली किसका त्योहार है? रंगों का। तो यहाँ हम लिखेंगे कलर्स। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नेक्स्ट है सिस्टर टाई डैश ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट। तो बहनें अपने भाइयों के हाथ पर क्या बांधती हैं? राखी। तो यहाँ हम लिखेंगे राखी। नेक्स्ट थर्ड इज मुस्लिम्स वियर न्यू डैश एंड ऑफर नमाज ऑन ईद। तो मुस्लिम्स ईद वाले दिन क्या पहनते हैं? नए कपड़े, क्लॉथ्स। फोर्थ इज डैश फॉल्स ऑन 25th दिसंबर। 25 दिसंबर को कौन सा त्योहार होता है? क्रिसमस का।
ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। आइए आगे चलें। आगे है मैच द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल विद देयर पिक्चर्स। यहाँ हमें जो फेस्टिवल्स दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, उन पिक्चर से हमें इनको मैच करना है। तो फर्स्ट वन इज दिवाली। दिवाली के दिन हम दीप जलाते हैं, तो दिवाली को हम मैच करेंगे इस दिए के साथ। नेक्स्ट होली। होली है रंगों का त्योहार, तो होली को मैच करें यहाँ नीचे रंगों के साथ। अगला है ईद उल फितर। ईद उल फितर पर नमाज पढ़ी जाती है, तो इसको मैच करें यहाँ ऊपर फर्स्ट पिक्चर के साथ। नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस। क्रिसमस के दिन एक्समस ट्री को सजाया जाता है, तो यहाँ हम इसे मैच करेंगे ट्री के साथ। एंड लास्ट इज तीज। तीज के दिन झूले झूले जाते हैं, तो इसे हम मैच करेंगे यहाँ इस झूले वाली पिक्चर के साथ। आइए आगे चलें। आगे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी वन। हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। यहाँ आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जो फेस्टिवल्स है हम सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ रक्षाबंधन। नेक्स्ट इज ऑफ दशहरा। थर्ड पिक्चर इज ऑफ तीज। फोर्थ इज जन्माष्टमी। एंड फिफ्थ पिक्चर इज ऑफ मकर संक्रांति। आइए आगे चलें। आगे है एक्टिविटी टू, आस्क चिल्ड्रन टू रिसाइट दिस राइम। तो बच्चों यहाँ हमें डेज ऑफ वीक की एक पोएम दी गई है, उसे आप पढ़ें। संडे मंडे ट्यूसडे टू वेंसडे थर्सडे जस्ट फॉर यू फ्राइडे सैटरडे दैट्स द एंड नाउ लेट्स से दीज डेज अगेन। संडे मंडे ट्यूसडे टू वेंसडे थर्सडे जस्ट फॉर यू फ्राइडे सैटरडे दैट्स द एंड नाउ लेट्स से दीज डेज अगेन। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी राइम डेज ऑफ वीक के लिए। डेज ऑफ वीक आप जानते होंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये हैं सप्ताह के 7 दिन डेज ऑफ वीक। हमारी डेज ऑफ वीक की वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आइए आगे चलें। आगे है राइटिंग सेक्शन। एक्टिविटी वन, अरेंज द जंबल नेम्स ऑफ मंथ इन करेक्ट ऑर्डर एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो बच्चों यहाँ हमें महीनों के नाम दिए गए हैं, नेम ऑफ मंथ्स, लेकिन ये नेम्स ऑर्डर में नहीं है, तो हमें यहाँ नीचे इन सभी नेम्स को ऑर्डर में लिखना है। तो आइए लिखें। सबसे पहले मंथ आता है जनवरी। नेक्स्ट इज फरवरी। थर्ड मंथ इज मार्च। नेक्स्ट अप्रैल। फिफ्थ इज मई। देन जून। नेक्स्ट जुलाई। नेक्स्ट इज अगस्त। नेक्स्ट सितंबर। नेक्स्ट मंथ इज अक्टूबर। नेक्स्ट नवंबर। एंड द लास्ट मंथ इज दिसंबर। तो ये हैं महीनों के नाम ऑर्डर में, जिस प्रकार ये हर साल होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बच्चों मंथ्स नेम की वीडियो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आइए आगे चलें। आगे है एक्टिविटी टू, आस्क चिल्ड्रन टू ट्रेस ओवर द डॉटेड वर्ड्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉटेड में कुछ वर्ड्स हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, जो डेज ऑफ वीक हैं वो यहाँ डॉटेड में दे रखे हैं। आपको उन सभी को ट्रेस करना है इनके ऊपर पेंसिल से। तो इन वीक डेज को लिखने की प्रैक्टिस करें। आइए आगे चलें। आगे है एक्टिविटी थ्री, आस्क चिल्ड्रन टू राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन देयर नोटबुक्स।
तो बच्चों नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें आप लिखने की प्रैक्टिस करें, अपनी नोटबुक में लिखें। फर्स्ट सेंटेंस इज, होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्योहार है। नेक्स्ट, दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली रोशनी का त्योहार है। तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखने की प्रैक्टिस करें, इन दोनों सेंटेंसेस को। तो बच्चों ये था लेसन नंबर 2, आवर फेस्टिवल्स। आई होप आप सभी को यह समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।